पु ल देशपांडे सारख्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाच्या नावाने जीवन गौरव पुरस्कार मिळणं ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे, अशी भावना संगीत मार्तंड पंडित जसराज यांनी व्यक्त केली आहे। लेखक तो थे, इतने ही अच्छे म्युझिशियन थे। मुझे इस गौरव पुरस्कार के साथ में एक ये भी बड़ी जबरदस्त खुशी है कि मैं उनको साहित्यकार के हिसाब से पुरस्कार के लिए नहीं, मैं अपने आप को गौरवान्वित इसलिए मानता हूं कि एक बड़े संगीतकार की तरफ से मिला है। आशय सांस्कृतिकच्या वतीने आयोजित 10व्या पुलोत्सवात पंडित जसराज यांना ज्येष्ठ साहित्यिक द मा मिराजदार यांच्या हस्ते पुल जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। यावेळी मधुरा जसराज, किरण शांताराम, आशयचे सतीश जकातदार, वीरेंद्र चित्राव उपस्थित होते। मैं सच कहता हूँ, मुझे पुलेव देश पांडे साहब, मैं उनको इतनी उच्च दृष्टि से देखता था। मेरी पहली मुलाकात उनसे 63 में हुई। चंद्रकांत राव घोष थे जिन्होंने काका कहता था, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त थे, अभिषेकी जी के ससुर बाबा। उन्होंने कहा, जसराज तुमको कभी पुला ने सुना क्या? मैंने कहा नहीं। तो बुलाया, उन्होंने बुलाकर मेरा गाना सुनाया और उनसे कहा कि कहा बोले तुम्हारा कसा वाटत है, ते म्हणाले आओ मला असं वाटतं की याच्यावर काही बोलायचंच नाही। आतापर्यंत ते काय म्हणतात ते मला उघडू शकतो नाही, कारण ते कोणत्या भावात बोलले मला कळलं नाही। अच्छे भाव में या कह के छोड़ दो यार, इसको क्या कहना, कुछ भी नहीं। क्योंकि चंद्रकांतराव घोड़ से घर में थे। जसराज म्हणाले, माझी शिष्य असलेल्या फ्रान्सच्या कॅथरीन नावाच्या एका मुलीला मी एकदा ही इज पीएल अशी ओळख करून देतास ती पटकन म्हणाली, म्हणजे पुल का? यावर पुल म्हणाले, अहो आता तरी मला पुल म्हणा, अशा आठवणी पंडितजींनी सांगितल्या। एक मुलाकात ऐसी थी कि मैं आमतौर पर हमारे गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में वो एक अगस्त में प्रोग्राम करते थे और देशपांडे साहेब आवर्जून तिथे जायचं आणि मी पण जायचं। तर संडे मॉर्निंग में एक भोज होता था, तो वहां पे सारे कलाकार, सारे अतिथि कलाकार और सारे गेस्ट जमा हो जाते थे। एक मेरे मुझसे थोड़े दिन गाना सीखा था एक लड़की पेरिस में, उसको मराठी का बहुत शौक था, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि देखो आप पीएल देशपांडे साहब हैं, तो वो क्या कहती है, मंजे पुलो, फ्रेंच लड़की। तो देशपांडे साहब ने कहा, जसराज देखो ये मुझको पुल कहती और तुम पीएल कहते हो। तो ये उनकी मतलब उनकी हंसी मजाक तो उनका एक बड़ा सारा एक हिस्सा था जीवन का। तो आप कहिए उनको कि हंसी के बादशाह थे। यावेळी कार्यक्रमात पंडितजींच्या चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती।